तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बार क्या हुआ, हम दूसरे चैनल पे शो करते थे, हमारे सेट को आग लग गई, तो सबको पता था, बहुत न्यूज में आया था, तो मैं थोड़ा अपसेट तो होता है आदमी, पर मैं ख्या कि चलो कोई नहीं, फिर हम लोग किसी और जगह पे जाके शूट करने वाले थे, तो सडनली मेरे फ़ोन पे लैंडलाइन का नंबर आता है उनका, तो मेरे पास सेव नहीं था, तो मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था, मैं साइड में गाड़ी थोड़ा इधर कर लिया, मैं कहा जी, कहते मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ, मैं कहा व्हाट, तो मैं गाड़ी साइड पर लगाई और मुझे इतनी खुशी, मैं भूल गया कि मेरे सेट को आग लगी है। वो कहती हमें बड़ा दुख हुआ आपके शो का, मैं कह रहे आज मेरे पापा होते बड़े खुश होते, कहते मैंने अफसोस करने के लिए फोन किया, और मैं इतना एक्साइटेड हो गया। उसके बाद फिर एक दिन मेरा जन्मदिन, और फिर मुझे फोन आया कि हम लोग लोखंड वाला स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप आ जाओ, तो मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे बर्थडे पे इतनी खूबसूरत घड़ी दी, मैं बहुत कम पहनता हूँ ताकि वो पुरानी ना हो जाए, उसका कुछ यू नो खराब ना हो जाए, तो लता दी वी लव यू, और वी लव यू लता जी, वी लव यू।